देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। मतलब मान लीजिए कि हम आपको एक फंक्शन दिए कोई भी एफ ऑफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। देखिए इस फंक्शन का हमको मान लीजिए कि कोई भी एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और इस फंक्शन का एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे हमको रेट ऑफ चेंज चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ये जो रेशियो है इसका वैल्यू कब, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट गिव्स मी रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, ठीक है ना। और डेल्टा एक्स को जीरो के पास पहुंचा देंगे, क्यों? क्योंकि हमको एग्जैक्टली फंक्शन का रेट ऑफ चेंज किस पॉइंट के आसपास चाहिए, एक्स पॉइंट के आसपास चाहिए। आई वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली इनपुट एक्स के आसपास फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है, इसी के लिए हम एक्स के आसपास ही रहें, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख देते हैं कि हमारा जो ये डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टू जीरो हो, ठीक है। ये जो पूरा जो चीज लिखे है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसी को कुछ लोग सिंबोलिकली ऐसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। मत डी बाई डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी ऑफ एफ एक्स मतलब हुआ चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाई डी एक्स चेंज इन इनपुट। तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं कि जो आप ऊपर लिखे हैं ना, इसी को आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन आउटपुट। ये जो क्वांटिटी है ना ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर क्या था, चेंज इन आउटपुट ही तो है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे जो आउटपुट है और एक्स पे जो आउटपुट है उसका डिफरेंस, तो चेंज इन आउटपुट ही तो है। तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, ये जो रेशियो है ये रेशियो का हमको वैल्यू चाहिए, लेकिन कब, ये चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट का वैल्यू चाहिए किस कंडीशन में, जब डेल्टा एक्स किसके पास रहे, टेंडिंग टू जीरो रहे। ये जो क्वांटिटी है इसी क्वांटिटी को हम लोग फैंसी टर्म्स में इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, एफ के ऊपर एक डैश और ऐसे, ये सारा चीज सेम ही है। ये सारा चीज क्या बताता है, टू फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्रीमेंट ऑफ अ फंक्शन नियर अ पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट एक्स, और जो क्या निकल के आएगा, टेंजेंट के स्लोप के बराबर। ये सिंबल अभी जो हम आपको बताएं, ये सिंबल बताने के लिए, ये कि कहीं पे ये लिखा है तो आपको क्या निकालना है। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। चलिए तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोला कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, और हम इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज चाहते हैं, मतलब शॉर्ट में, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और ये बड़ा लाइन लिखने वाला नीचे में एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट एक्स, लेकिन कहां पे, किस पॉइंट के आसपास, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर इनपुट एक्स, एक पर्टिकुलर एक्स के आसपास फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है उसको दिखाने का, सिंबॉलिकली दिखाने का तरीका ये है, ठीक है। तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, ये बार और ये चीज नहीं लिखते हैं, कभी कभी लोग बस ऐसे ही लिख के रह जाते हैं, ठीक है, इसे मीनिंग समझिएगा।
इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। कभी कभी ये पूरा चीज नहीं लिखते हैं लोग, लंबी हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए फंक्शन मेरा वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका हमको याद कीजिए ये पैराबोलिक कर्व है, इसका ग्राफ क्या बनता है ऐसे y x, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट x है x और यहां के आसपास इस पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट के आसपास फंक्शन किस रेट से इंक्रीज कर रहा है हम जानना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x एट अ गिवन पॉइंट x। अब ये बात बार बार नहीं लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, बराबर लिमिट f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इनपुट पॉइंट x के आसपास फंक्शन का दोनों तरफ से नेचर मोर ऑर लेस सेम है, यहां पे कोई शार्प चेंज नहीं हुआ है फंक्शन का, इनपुट पॉइंट x के आसपास फंक्शन में कोई शार्प चेंज नहीं हुआ है, वहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, तो इसलिए क्लियर है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम ही निकल के आएगा। तो क्यों ना हम सिर्फ एक ही तरफ का डिस्कशन कर लें, हम राइट हैंड साइड वाला डिस्कशन कर लेते हैं और उसी को बोल देंगे कि यही डेरिवेटिव का वैल्यू है, यही डिफरेंशिएशन है, समझा रहा है। चलिए तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन का वैल्यू एट x प्लस डेल्टा x क्या लिखाएगा, तो x के बदले यहां पे क्या लिखेगा, x प्लस डेल्टा x के बदले x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ये हो गया फंक्शन का वैल्यू एट x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन का वैल्यू एट x क्या है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये रेशियो का वैल्यू चाहिए क्योंकि यही रेशियो क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, लेकिन हमको x के आसपास चाहिए रेट ऑफ चेंज, इसलिए डेल्टा x जो है, चेंज इन x जो है उसको एकदम कम करके रखेंगे। ये क्या निकल के आएगा, ये हो गया आपका, ओपन कीजिए ऊपर वाले को, x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर बाई डेल्टा x, कि क्या निकल के आया। और एक और चीज, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू जीरो, और क्या बचा, डेल्टा x प्लस 2x। देख लीजिए ना, ये डेल्टा x कैंसल आउट हो जाएगा और यहां डेल्टा x का स्क्वायर का एक डेल्टा x हट जाएगा, तो यही ना निकल के आया। अब बताइए जब डेल्टा x जीरो की तरफ जाएगा तो ये पहला टर्म तो जीरो की तरफ जाने लगेगा, तो बच के क्या आएगा, 2x। तो शॉर्ट में कहिए कि द रेट एट विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग नियर द पॉइंट x इज इक्वल टू 2x। मतलब एक एग्जांपल कि मान लीजिए x का वैल्यू एक ले लेते हैं, वैल्यू मान लीजिए x का वैल्यू 3 होता, x इज इक्वल टू 3, और हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 3 के आसपास फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कितना है, ग्रोथ होने का रेट कितना है, किसके रेस्पेक्ट में, इनपुट के थोड़ा वेरिएशन के रेस्पेक्ट में, तो फिर आंसर तो सीधे 2x है ना। तो अभी x का वैल्यू हम 3 बोले तो आंसर क्या हो जाएगा, dy by dx रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 बराबर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के आसपास फंक्शन में हल्का सा भी चेंज कीजिएगा डेल्टा x, तो आउटपुट में कितना का चेंज हो जाएगा, 6 टाइम्स डेल्टा x। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि इफ यू ब्रिंग अ स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, समझिएगा, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इफ यू ब्रिंग अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज ऑफ डेल्टा एक्स इन इनपुट किस पॉइंट के आसपास, नियर
एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री के आसपास हल्का सा चेंज कर दीजिएगा इनपुट में, देन करेस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में कितना का करेस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, फिर से हम समझा रहे हैं, एक्स बराबर थ्री पे फंक्शन है, थोड़ा सा एक्स में चेंज कर दिए, कितना से, डेल्टा एक्स में, उस करेस्पॉन्डिंग चेंज के, उस चेंज के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ द फंक्शन में कितना चेंज, कितना चेंजिंग आ जाएगा। तो आप बोले थे ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन सिक्स है, मतलब कि करेस्पॉन्डिंग चेंज इन आउटपुट क्या हो जाएगा, सिक्स टाइम्स चेंज इन इनपुट, यानी सिक्स डेल्टा एक्स, यानी छह गुना ज्यादा रेट से आउटपुट बढ़ गया एज कंपेयर टू चेंज इन इनपुट, किस पॉइंट के आसपास, तीन के आसपास। अगर यही चर्चा हम जीरो के आसपास किए, एक्स बराबर जीरो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन नियर एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा, यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो रखिए तो जीरो आ रहा है, मतलब कि जीरो के आसपास फंक्शन का ग्रोथ करने का रेट जीरो है। इनपुट पॉइंट जब जीरो होगा तो इसके आसपास फंक्शन किस रेट से ग्रो कर रहा है, जीरो, मतलब फंक्शन चेंज कर ही नहीं रहा है जीरो के, जीरो के आसपास जो फंक्शन के चेंज करने का रेट है ना वो टेंडिंग टू जीरो है। इनपुट पॉइंट जीरो के आसपास फंक्शन का चेंज करने का रेट टेंडिंग टू जीरो है, यही हुआ। और ऐसे भी आप देख सकते थे, टेंजेंट बना दिए ना, एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन पे टेंजेंट बनाइए, यहां पे टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आया ना, देख लीजिए ये जो टेंजेंट बनाया है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप क्या है, जीरो, ऐसे ही बोल सकते थे, लेकिन ये सिर्फ यहीं पे बोल सकते थे ना। अब x बराबर 3 पे तो आप नहीं बोल सकते थे कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन 6 है, इसके लिए तो आपको इस पूरे मेथड से निकालना ही था ना, है ना। ये तो हो गया y बराबर x स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज। अब हम जनरलाइज करेंगे कि कोई एग्जामिनर दे y बराबर x की पावर n, n कोई नंबर है, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट क्या होगा। तो अब जनरल केस पे आते हैं, देखिए हम जानना चाहते हैं फंक्शन का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट, एक जनरल पॉइंट है, एट अ गिवन जनरल पॉइंट एक्स, कैसे करेंगे, वही कहानी कि डी वाई बाई डी एक्स था क्या एक्चुअल में, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, किसका लिमिट, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, इसी का ना लिमिट निकालते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, फंक्शन का वैल्यू कब, जब इनपुट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो क्या हो जाएगा, यहां एक्स के बदले एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखिए की पावर एन माइनस फंक्शन का वैल्यू एक्स पे बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए इस पे ध्यान दीजिए, बाद में तो ये लिख ही देंगे, इस पे ध्यान दीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स को बाहर निकालिए, ऐसे समझिए, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट के बदले यहां बड़ा ब्रैकेट है, ये n है तो n है, x प्लस डेल्टा x को इस तरह से लिख दिया, देखिए ना इसको अंदर से ओपन कीजिएगा तो x प्लस डेल्टा x ही है, माइनस x की पावर n बाय डेल्टा x, अच्छा अब कितना आया, x की पावर n, और सेपरेट लिख ले रहे हैं 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर एन, सेपरेटली एन जो है दोनों पे चढ़ा दिए, जो पावर है चढ़ा दिए, माइनस एक्स की पावर एन बाई डेल्टा एक्स, आगे देखा जाए क्या है, एक्स की पावर एन कॉमन और अंदर क्या है 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर एन माइनस वन बाई डेल्टा एक्स,
और लिमिट क्या है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा याद कीजिए, वन प्लस एक्स की पावर एन क्या आया था, वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से आया था, डेरिवेशन याद कीजिए। अच्छा तो यही वाला चीज हम यहां यूज कर लेंगे। देखिए क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन वन प्लस दिस को कैसे लिख सकते हैं। अब आप ही ध्यान दीजिए कि चूंकि डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो जो दूसरा जो नंबर है डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स वो भी तो जीरो की तरफ जाएगा। तो जब दूसरा वाला क्वांटिटी बहुत छोटा है तो तब तो हायर पावर्स मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो आगे और भी आएगा, जो आगे और भी आएगा वन प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन में जो और हायर पावर्स आएगा उसको आप इग्नोर कीजिए। क्यों? क्योंकि कोई क्वांटिटी आप ऐसे समझिए कि वन प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर एन को एक्सपेंड कीजिए तो क्या लिखेगा, वन प्लस एन डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएगा। आप ही बताइए जब खुद डेल्टा एक्स जीरो की तरफ बढ़ रहा है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर तो और जीरो की तरफ जाएगा। कोई 0.1 है उसका स्क्वायर कर दीजिए तो और जीरो की तरफ भाग जाएगा, उसका क्यूब कर दीजिए तो और जीरो की तरफ भाग जाएगा। तो हायर पावर्स ऑफ एक्स जो था उसको इग्नोर करिए और हम सिर्फ दो ही टर्म ले लेते हैं, पहला दो टर्म। हम क्या बोल रहे हैं कि आगे वाला टर्म सब जो है वो जीरो से काफी क्लोज है, तो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर एन को हम अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं ना, ये तो वही लिख रहे हैं वहां पे। देखिए तो क्या लिखाएगा वहां पे, x की पावर n 1 प्लस n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, तो कितना आएगा x की पावर n n डेल्टा एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब आप देखिए डेल्टा एक्स कट जाएगा तो निकल क्या क्या आएगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, यही ना आएगा। किसी को मन करे कि नहीं सर हम पहला दो टर्म ही क्यों लेंगे, हम तो सारा टर्म लिखेंगे, तो आप सारा टर्म लिखिए कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ये सारा टर्म यहां पे लिखिएगा ना तो फिर लास्ट में डेल्टा एक्स वाला टर्म बच जाएगा, करके दिखाते हैं तो आपको दिखेगा। देखिए किसी को मन करेगा कि नहीं सर हम कुछ भी इसके एक्सपेंशन में जो जो टर्म हम सब लिखना चाहते हैं तो लिखिए, फिर तब भी वही आंसर आएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन और इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा, वन प्लस एन इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल क्यूब एंड सो ऑन, ये हो गया इसका एक्सपेंशन माइनस वन, कौन सा माइनस वन, ये वाला माइनस वन, माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा डेल्टा x, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, वन वन कैंसल आउट, क्या निकल के आएगा एक्स की पावर एन। अब यहां देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स हर जगह तो कॉमन है, तो एक डेल्टा एक्स कॉमन जो है बाहर निकाल लीजिए डेल्टा एक्स और बाद बाकी अंदर छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा एन बाई एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाई क्या है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स कैंसल आउट, अब आप ही बताइए कि बचा क्या,
बचा क्या, x की पावर n। देखिए ये तो गया, अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि डेल्टा x जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो बताइए जैसे ही डेल्टा x जीरो की तरफ बढ़ेगा तो जितना हायर पावर से इसके आगे जितना टर्म होगा वो सब किसकी तरफ जाने लगेगा, ये सब किसकी तरफ जाने लगेगा, जीरो की तरफ, क्योंकि डेल्टा x किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ। बचेगा सिर्फ क्या, एन बाई एक्स, तो लिखिए एन बाई एक्स, तो क्या हो गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, वही बात आया। तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखिएगा कि x की पावर n का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू x एट अ पर्टिकुलर इनपुट पॉइंट x क्या निकल के आएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये रिजल्ट स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन का हम लोग निकालेंगे, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप साइन x, y बराबर साइन x एक फंक्शन है, y बराबर cos x एक फंक्शन है, एंड सो ऑन, बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आप क्या निकालिएगा, रेट ऑफ चेंज, मतलब आपको निकालना है d by dx of sin x, उसी तरीके से cos x, tan x, इस तरह से आप होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा, अगले क्लास में ये सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन डील किया जाएगा।